हाय फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मजेदार उपन्यास विश कन्या का पार्ट सेवन सुनील ने जेब से एक पचास का नोट निकाला और उसकी मुट्ठी में ठूस दिया अब बोलो वह उतावले स्वर में बोला राजकिरण काउंटर पर तनिक आगे झुक गया और बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोला यह कोई एक महीना पहले की बात है तब भी मेरी रात की ड्यूटी थी और मैं यहाँ रिसेप्शन पर मौजूद था जब वह हमेशा की तरह आधी रात के करीब यहाँ आई थी हमेशा की तरह अपने रजिस्टर पर मिस्टर एंड मिसेज भटनागर लिखकर साइन किए थे और मुझे कहा था कि मिस्टर भटनागर रास्ते में कहीं अटक गए थे वे थोड़ी देर बाद आने वाले थे आम तौर पर कथित मिस्टर भटनागर पाँच दस मिनट में ही यहाँ पहुँच जाया करते थे लेकिन उस रोज़ एक बजे तक वे साहब न पहुँचे फिर एकाएक मिसेज भटनागर का अपने स्वीट से यहाँ रिसेप्शन पर फोन आया मैंने उससे बात की तो उसने मुझे जिनकी एक बोतल का इंतजाम करने के लिए कहा मैंने होटल के स्पेशल स्टॉक से जिनकी एक बोतल निकाली और उसे लेकर खुद उसके सुइट तक गया मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मुझे आदेश मिला कि मैं भीतर आ जाऊं। मैं दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुआ वह ठिटका फिर सुनील व्याग्रभाव से बोला भाई साहब राजकिरण कह पड़ा वह पलंग पर एकदम नंगी लेटी हुई थी कमरे की बत्ती जल रही थी और उसने अपने जिस्म पर कोई चादर या कम्बल तक नहीं ओढ़ा हुआ था न मुझे आया देखकर उसने अपना नंगा जिस्म ढकने की कोशिश की उसके चेहरे पर किसी तरह की झिझक या शर्म के भाव नहीं थे और वह बड़ी बेसब्री से मुझे देख रही थी मैं जिनकी बोतल लिए बना उसके सामने खड़ा था कि वह बोली कि वो मुझे कैसी लग रही है मैं बोला बहुत अच्छी पूछने लगी कि क्या मैंने इतनी बढ़िया स्त्री शरीर यूं पहले कभी देखा है मैंने कहा नहीं बोली मुंह में पानी नहीं आ रहा है मैंने कहा आ रहा है फिर उसने मुझे दरवाज़ा भीतर से बंद करने का आदेश दिया मैंने कर दिया वह बोली कपड़े उतारो मैंने मशीन की तरह अपने कपड़े उतार दिए उसने मुझे अपने पास बुलाया मैं जाकर उसके पहलू में ढेर हो गया और भाई साहब उसके बाद वह भूखे बाँस की तरह मुझ पर झपटी उसने मेरी बोटी बोटी झंझोर डाली मेरी जान ले लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने सुबह चार बजे जब उसने मुझे छोड़ा तब मेरी हालत यह थी कि मैं उठकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था गिरता पड़ता लड़खड़ाता बड़ी मुश्किल से मैं रिसेप्शन पर वापस पहुंचा। भाई साहब इतनी प्यासी औरत तो मैंने किसी कहानियों में भी नहीं पढ़ी थी उसकी काम वासना तो शांत होने को ही नहीं थी मेरी इतनी दुर्गति कर चुकने के बाद भी वो अभी प्यासी थी और मुझसे खपाती कि मैं कुछ कर पाने के काबिल क्यों नहीं रह गया था वो तो काम वासना की बीमारी की हद तक सताई हुई औरत थी यह बीमारी ही होती है इसे नेफियोमिनाक कहते हैं ऐसी औरतों की यौन शुभ्रा कभी शांत नहीं होती ऐसी औरतों के बारे में सुना मैंने भी है लेकिन ऐसी कोई औरत मैंने कभी देखी नहीं थी तुम्हारे साथ ऐसा वाक्य फिर कभी भी हुआ नहीं दरअसल ऐसा उस पार भी इसलिए हुआ था क्योंकि उसका यार यहाँ नहीं पहुँच पाया था यह बात तुमने अभी भी नहीं बताई कि तुम्हें यह कैसे मालूम है कि उसके बुरे बाल नकली थे मैं तीन घंटे उसके साथ बिस्तर में कलाबाजियाँ खाता रहा उस दौरान एक बार उसका विग अपने स्थान से सरक गया था और मुझे नीचे से जागते उसके काले असली बालों की झलक मिली थी ओह और क्या बीती थी उस औरत और तुम्हारे बीच मेरा मतलब है अपने बारे में कोई बातचीत नहीं की थी उसने अपने बारे में तो बातचीत नहीं की थी लेकिन मेरी वहाँ तीन घंटों की मौजूदगी के दौरान वह खामोश भी नहीं रही थी क्या कहती रही थी सुने तो आप कान बंद कर लें रख रखाव से तो इतनी सभ्य शालीन और सलीके वाली औरत थी और उस वक्त ऐसी भाषा बोल रही थी कि पाँच रुपए वाली रंडी भी मात खा जाए मेरे साथ लिपटी वह मेरी तारीफ में भी कुछ बोलती थी तो उसमें माँ बहन की गालियाँ होती थी बीच में जब कभी निडाल हो जाता तो वह मेरा मजाक उड़ाने लगती थी और मेरी गैरत को ललकारने के लिए ऐसी गंदी भाषा बोलती थी कि सुनकर विश्वास नहीं होता था कि ये बातें किसी औरत के मुंह से निकल रही हैं अपने उस यार को जो उस रात वहाँ पहुँचा नहीं था तो उसने ऐसी चुनी चुनी गालियाँ दी है कि रहने टांगे वाले सुन के शर्मा जाएँ हूँ होटल के रजिस्टर में अपना पता भी तो लिखना होता है पैटर्नस को जी हाँ मिसेज भटनागर हमेशा नेपियन हिल की सत्रह नंबर कोठी का पता लिखती थी यह पता झूठा है वहाँ कोई मिसेज भटनागर नहीं रहती आपको कैसे मालूम मालूम है तो मेरी बात सुनो तुम्हारी निगाह में कोई और तरीका है जिससे इस कथित मिसेज भटनागर का पता मालूम किया जा सके मेरी निगाह में क्या तरीका होगा शायद कोई तरीका हो तुम्हारा उस औरत से संपर्क रहा है तुम उसके बेहद घनिष्ठ क्षणों के साथी रह चुके हो शायद तुम्हारे जेहन में कोई बात हो जो उस औरत का असली पता मालूम करने में सहायक सिद्ध हो सकती हो वह खामोश रहा देखो सुनील उसे समझाने के उपक्रम में तनिक कठोर स्वर में बोला तुमने खुद कहा है कि वो औरत हफ्ते में दो तीन बार यहाँ होटल में आती है इसका मतलब है कि आजकल में वो यहाँ आती ही होगी मैं सारी कहानी अगर जाकर पुलिस को सुना आया तो जानते हो क्या होगा उस औरत के इंतज़ार में पुलिस यहाँ धरना देकर बैठ जाएगी और तुम्हारे होटल के दो नंबर के धंधे का तो पटरा हो जाएगा लेकिन यह तो बताइए कि उस औरत की पुलिस को क्यों तलाश है क्या गुनाह किया है उसने वेशा तो वह हरगिज़ नहीं है अलबत् आम की तरह मर्दों को चूसने का शौक़ ज़रूर है उसे ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी इसलिए इन्हें छोड़ो और असली बात पर आओ आपको वाइफ उस औरत की बहुत सख्त तलाश है हाँ ठीक है फिर एकाएक राजकरण निर्णायक स्वर में बोला सो का पता ढीला कीजिए मैं अभी आपको उस औरत का पता बताता हूँ सुनील ने उलझनपूर्ण भाव से उसे घूर देखा आप इतने बड़े अखबार के प्रतिनिधि हैं राजकिरण पहले जैसे ही भाव से बोला और उस औरत की तलाश में आप मरे जा रहे हैं तो फिर एक सो का पत्ता क्यों नहीं खर्च करते हैं आप तुम्हें उस औरत का पता मालूम है न सिर्फ़ मालूम है बल्कि मुझे इस बात की भी गारंटी है कि वह औरत इस वक्त उस पते पर मौजूद है इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको सुनील ने जेब से पचास का नोट निकालकर उसके सामने रख दिया यह तो पचास का पता है राजकरण बोला प्यारे लाल ऐसा एक पता अभी ले भी तो चुके हो हो तो गया सो का पता कहाँ हो गया वह ऐसा पता थोड़े ही था वह तो रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब का प्रशस्ति पत्र था मेरे पास क्या कहने हाथ के हाथ होशियार हो गए सोहबत का असर है जनाब सुनील ने काउंटर से पचास का नोट उठा लिया और उसके स्थान पर उसे का नोट सौंपा राजकिरण ने नोट को बड़े इत्मीनान से धोरा करके अपने कोर्ट के भीतरी जेब में रखा और फिर धीरे से बोला वो यहीं है क्या सुनील चोका उसे क्लर्क से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी वो यहीं होटल में है इस वक्त जी हाँ हमेशा की तरह आधी रात के करीब यहाँ आई थी वो थोड़ी देर बाद ही उसका बॉयफ्रेंड भी आ गया था दोनों चौदह नंबर स्वीट में है सवेरा होने से पहले वह कभी नहीं जाती है इसलिए जरूर अभी भी वहीं होगी कुछ क्षण सुनील खामोश रहा जिस औरत की उसे इतनी तलाश थी उससे यूं एकाएक आमना सामना होने के ख्याल से ही वह बड़ा सस्पेंस महसूस कर रहा था सुनो प्यारे लाल एकाएक सुनील कठोर स्वर में बोला मैं उसके स्वीट की तरफ जा रहा हूँ अगर मेरे वहाँ पहुँचने से पहले तुमने टेलीफोन पर उसे मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा मैं ऐसा नहीं करूँगा राजकिरण बड़ी शराफत से बोला गुड अब बोलो चौदह नंबर स्वीट कहाँ है सामने के कतार के एकदम सिरे वाला स्वीट नंबर चौदह है सुनील एक चेतावनी भरी निगाह क्लर्क पर डालकर वहाँ से बाहर निकला कंपाउंड पार करके वह सामने वाली कतार के कोने के दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने कान लगाकर भीतर से कोई आहट सुनने की कोशिश की लेकिन भीतर एकदम सन्नाटा था उसने दरवाजे पर दस्तक दी कोई उत्तर न मिला उसने एक बार फिर दस्तक दी जवाब नदारद उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया दरवाजा खुला था और भीतर की बत्ती जल रही थी मिसेज भटनागर उसने आवाज़ लगाई और उत्तर न मिलने पर झिझकते हुए भीतर कदम रखा कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले उसके नथुनों से इंटीमेट की तीखी गंध टकराई फिर उसके साथ साथ कमरे में विस्की की गंद बसी होने का एहसास भी उसे हुआ एक कदम और आगे बढ़ा और फिर ठठक गया पलंग पर एक आदमी की लाश पड़ी थी उसकी कंटपट्टी में तीन सुराख दिखाई दे रहे थे और उनसे निकलते खून में अभी भी वो चमक थी जो जाहिर करती थी कि वह पूरी तरह सूखा नहीं था पलंग की सफ़ेद चादर पर खून बिखरा हुआ था वहाँ खून से रंगी एक कम से कम चालीस साइज की ब्रेसियर पड़ी थी नीचे फर्श पर एक जोनी वॉकर की लगभग खाली बोतल लुड़की हुई थी एक और पड़ी एक कुर्सी पर एक मर्दाना सूट कमीज टाई वगैरह पड़ी थी सुनील पलंग पर घेरा काटकर उसकी दूसरी तरफ पहुंचा और उसने लाश की सूरत पर निगाह डाली हालांकि मरने वाले से वह केवल एक ही बार मिला था लेकिन उसने उसे फ़ौर पहचान लिया वह मुगल बाग के शॉपिंग सेंटर का सिक्योरिटी ऑफिसर दिलीप दत्त था सुनील सारे स्वीट में फिर गया कथित मिसेज भटनागर उर्फ देवबाला कहीं नहीं थी लाश की हालत बता रही थी मौत हुए पंद्रह मिनट से ज़्यादा नहीं हुए थे इसका मतलब था कि सुनील के वहाँ पहुँचने से एक या दो मिनट पहले ही वह औरत वहाँ से गई थी वह बाथरूम में पहुँचा वहाँ फर्श पर गीला तोलिया पड़ा था जिस पर खून के दब्बे दिखाई दे रहे थे बाथरूम की हालत भी बता रही थी कि वहाँ थोड़ी ही देर पहले किसी ने शावर बात लिया था जाहिर था कि खून के छींटे दिलीप दत्त के साथ हम बिस्तर औरत के शरीर पर भी पड़े थे और उन्हीं को साफ करने के लिए वहाँ से जाने से पहले उसने स्नान किया था सुनील ने तोलिया उठाकर उसका मुआयना किया उसमें उसे कई स्याह काले जनाने बाल चिपके दिखाई दिए बालों की लंबाई जाहिर कर रही थी कि वे सिर के बाल थे सुनील एक बार फिर पलंग के पास पहुंचा वहाँ एक तकिए पर उसे दो तीन निहायत लंबे भूरे बाल दिखाई दिए उसने देखा उन बालों के सिरों पर जड़े नहीं थी निश्चित ही वह किसी विक से उतरे हुए बाल थे अब सारी कहानी उसकी समझ में आ गई थी सुनील हरनबी रोड पर पहुंचा। अभी वो फटने में देर थी लेकिन सड़क पर दूध वाले और अखबार वालों की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी और इक्की दुक्की लोकल बस वहाँ से गुजरती दिखाई देने लगी थी तेईस नंबर इमारत तलाश करने में सुनील को कोई दिक्कत न हुई वह सीढ़ियों के रास्ते उसकी तीसरी मंजिल पर पहुंचा उसने सात नंबर फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी कौन है भीतर से एक स्त्री ने पूछा सुनील वह तनिक उच्च स्वर में बोला कौन सुनील सुनील से पूछा गया प्रेस रिपोर्टर मैं शनिवार शाम को पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के कमरे में आपसे मिला था कृष्णा जी एक क्षण खामोशी रही क्या काम है फिर पूछा गया दरवाज़ा खोलिए बताता हूँ सुनील बोला मैं यूं ही बाहर खड़ा चिल्लाता रहा तो सारे अड़ोसी पड़ोसी जाग जाएंगे। ठहरो फिर खामोशी सुनील बड़ी धैर्यपूर्ण वृद्धा बनाए खड़ा प्रतीक्षा करता रहा थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और चौखट पर कृष्णा प्रकट हुई उसने एक गले से टकनों तक आने वाले जोगी रंग का आकारहीन लबादा पहना हुआ था उस आकारहीन लबादे में भी यह बात छुप नहीं रही थी कि उसकी छाती पर कतई कोई उबार नहीं था उसने अपने बालों को एक जोगी रंग के ही कपड़े में लपेटकर अपने सिर के पीछे खींचकर बांधा हुआ था नमस्ते कृष्णा जी सुनील दोनों हाथ जोड़ता हुआ मधुर स्वर में बोला वह अपनी नाक की फुंगी पर टिका चश्मा ठीक करती हुई बड़े अनिश्चित भाव से मुस्कुराई और दरवाजे से एक और हट गई सुनील भीतर दाखिल हुआ कृष्णा ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया तशरीफ रखिए वह बोली शुक्रिया सुनील बोला और लकड़ी की एक कुर्सी पर बैठ गया वहा एक कोने पर एक तख्तपोष बिछा हुआ था तख्तपोश पर एक जोगे रंग की चादर बिछी हुई थी जिस पर एक शेर की खाल बिछी हुई थी तख्तपोष के सामने ही दीवारों पर कई देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई थी कृष्णा सुनील के सामने तख्तपोष पर बैठ गई उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से सुनील की ओर देखा बहुत सुबह सवेरे नहा लेती हैं आप सुनील सहज स्वर में बोला जी वह सकपका बोली जी हाँ जी हाँ उसने सिर पर बंदे कपड़े से बाहर लटक अपने स्याह काले बालों की एक लट को वापस कपड़े में खोस लिया और बोली पूजा पाठ करना होता है ना? जी हाँ क्यों नहीं सुनील एक्शन ठिटका और बोला आप हैरान हो रही होंगी कृष्णा जी कि इतनी सुबह सवेरे में यहाँ कैसे आ गया कैसे आए वह जबरन मुस्कुराती हुई बोली उसकी नकली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरे उलझन के भाव को छुपा नहीं पा रही थी लगता है आज आप खूब अच्छी तरह से नहीं नहाई सुनील उसके सवाल की ओर ध्यान दिए बिना मुस्कुराता हुआ बोला जी वह फिर सकपकाई। पकाई आपके जिस्म से इंटीमेट की गन भी आ रही है वह चौकी लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू पा लिया वह भारी उलझनपुर स्वर में बोली इंटीमेट वह क्या होता है इंटीमेंट वो सेंट होता है जो आपको बहुत पसंद है और आपके नहा लेने के बावजूद भी जिसकी गंद आपके जिस्म से अभी पूरी तरह से नहीं गई है मिस्टर सुनील वह क्रोधित स्वर में बोली आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी कोई बात करते हुए मैं एक सांधवी हूँ कोई सांसारिक स्त्री नहीं हूँ जो शरीर पर कोई खुशबू लगाऊंगी आपकी जानकारी के लिए मैंने अभी भगवान के चरणों में धूप और अगरबत्ती जलाई है जरूर उसी की खुशबू आप तक पहुंच रही है हो सकता है लेकिन स्कॉच विस्की की गन भी क्या मेरी नाक तक भगवान के हुजूर में ही से आ रही है क्या पिछली रात होटल टूरिस्ट में आप लगता है कुछ ज़्यादा ही पी गई आपने जिस टूथपेस्ट से दांत साफ किए हैं उसकी आपके मुंह से बसी खुशबू इसका की गंद को मुकम्मल तौर पर छुपा नहीं पा रही है मिस्टर सुनील वह तमक कर बोली क्या बक रहे हैं आप क्या आप मेरे घर पर मुझे अपमानित करने के लिए आए हैं शांत शांत आप जैसी साध्वी सन्यासिनी को गुस्सा करना शोभा नहीं देता लेकिन आप यह क्या कह रहे हैं कि मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा है लेकिन कहना बहुत कुछ चाहता हूँ इजाज़त हो तो कहूँ क्या कहना चाहते हैं आप सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब यह सांधवी वाला नाटक छोड़िए आपकी पोल मेरे सामने खुल चुकी है मैं आपकी हकीकत जान चुका हूँ कैसी पोल कैसी हकीकत वाह उलझन और असमझ के जो भाव आप इस वक्त आपके चेहरे पर लाई हैं वे हेमा मालिनी नहीं ला सकती देखिए आप आप देखिए देव बालाजी देखिए और महसूस कीजिए कि की। मेरे सामने आपका अपना यह नाटक जारी रखना अब कितना बेमानी हो गया है मैं देव बाला नहीं कृष्णा हूँ एक ही बात है देव बाला ही कृष्णा है मैंने अखबार में देव बाला के बारे में पढ़ा है मिस्टर सुनील वह अपनी सपाट छाती पर एक निगाह डालकर आहद भाव से बोली मैं आपको देव बाला लगती हूँ अभी नहीं लगती हो लेकिन अगर अपना यह चोगा उतार दो तो लगने लगोगी मिस्टर सुनील अपनी जो मेहरबानियाँ आप तरुण नागिया डॉक्टर आहूजा दिलीप दत्त और उमेश सक्सेना जैसे लोगों पर बेसहाकता लुटा चुकी हैं उससे आप मुझे क्यों महरूम रखती हैं जेरी के कोटेज में जब मेरा हाथ आपके सीने पर पड़ा था तो आपने मुझसे एक सवाल किया था जिसका जवाब मैं उस वक्त नहीं दे पाया था अगर वैसा ही एक मौका आप इस वक्त मुझे दे और वही सवाल मुझसे दोबारा पूछे तो मैं आपको बेहतर जवाब दे सकता हूँ इनायत फरमाइए न मैडम वह खामोश रही लगता है सुनील अपने स्थान से उठता हुआ बोला यह काम मुझे खुद ही करना होगा लगता है आपके दिल फरेब हुसन को कपड़ों की कैद से आज़ाद भी मुझे ही करना होगा सुनील ने अभी एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि एकाएक कृष्णा कंकश स्वर में बोली खबरदार सुनील ठिटका उसने देखा कृष्णा के हाथ में एक रिवाल्वर चमक रही थी रिवाल्वर शायद उसके लबादे की जेब में थी बत्तीस कैलिबर की यही वह रिवाल्वर है ना सुनील बोला जिससे अपने जेरी में तरुण नाग्या का याद पर डॉक्टर आहूजा और होटल टूरिस्ट में दिलीप दत्त का खून किया था वापिस बैठो वह कंकर स्वर में बोली सुनील वापिस कुर्सी पर बैठ गया और बोला शुक्र है आपने अपना पाखंड तो छोड़ा आपकी यह कोड़े की फटकार जैसी करारी आवाज़ सुनने को तो मेरे कान ही तरस गए थे आपकी वह साधु संन्यासनी वाली दीनहीन और सेक्स रहित आवाज़ तो मुझे बहुत बोर कर रही थी वह कई क्षण सुनील के चेहरे को यूं घूरती रही जैसे उस पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो और फिर बोली कैसे जाना क्या कैसे जाना सुनील बोला यह कि तुम्हें वह देव वाला हो जो हर जगह मौजूद पाई गई लेकिन जिसकी हकीकत अव्वल तो कोई जानता नहीं था और अगर जानता था तो जान से हाथ धो बैठता था हाँ शक की बुनियाद तो कई थी मैडम लेकिन तुम्हारे इस बहरूप ने मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा चढ़ाया हुआ था कि मैं सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख पा रहा था वह मेरी कल्पना से भी परे था कि तुम्हारी जैसी लकड़ी के तख्ते जैसी सपाट जिसम और मोम के पुतले जैसे विकृत से नक्शिक वाली सेक्सलेस औरत एकदम अपना ऐसा काया पलट कर सकती थी कि वह अप्सराओं को भी मात करने लगे अब से कुछ घंटे पहले मैं एक आदमी के घर गया था मैंने उसकी बीवी में अपनी आँखों के सामने ऐसा परिवर्तन होते देखा था कि एकाएक एक मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए थे वह औरत जब पहली बार मेरे सामने आई थी तो वह बोरे जैसा एक लबादा सा पहने थी और उसने अपने बालों को इस कदर कसकर पीछे बांधा हुआ था कि उसका माथा खलवाट खोपड़ी जैसा लग रहा था और उसकी आंखें और भवे ऊपर को खिंच विकृत हो गई थी बाद में वही औरत जब साड़ी पहनकर और बाल खोलकर मेरे सामने आई तो ब्रेसियर और ब्लाउज मिलकर उसकी छातियों को बड़ी खूबसूरत बनावट दे रहे थे और वक्ष उन्नत हो जाने भर से ही उसकी कमर पतली हो गई थी बाल खोल देने से नयन नक्श में खिंचाव खत्म हो गया था और खुले बालों के फ्रेम में वह लगभग खूबसूरत लगने लगी थी तब उसी क्षण सारी कहानी मेरी समझ में आ गई तुम्हारे इस सांदियों जैसे लिबास और तुम्हारे बात करने के दिनहीन ढंग के पीछे मुझे कुछ और ही दिखाई देने लगा किसी ने मुझे बताया तुम बुरे बालों वाला विग लगाती हो तो बात और भी साफ हो उठी लेकिन इसका क्या हल था मेरे पास वह अपने सपाट वक्ष को छूती हुई बोली यह भी क्या मैं नकली लगाती थी नहीं तुम नकली को असली नहीं असली को नकली बनाती थी क्या मतलब यह लबादा उतारो तो मतलब समझाऊँ वह स्थिर बैठी रही तुमने जरूर अपने विशाल स्थनों को कसकर कपड़ा बांधकर दबाया हुआ है उसके अलावा कोई और बात मुमकिन हो ही नहीं सकती पुराने जमाने में जब विदेशी अतईयों के जुल्म की शिकार आम भारतीय जनता हुआ करती थी तो लोगों की विशेली निगाहों से अपनी औलाद को बचाए रखने के लिए समझदार माताएं अक्सर ऐसा ही किया करती थी कि वे अपनी असाधारण रूप से जवान होती हुई लड़कियों की छातियां को यूँ कपड़ा बांधकर दबा देती थी ताकि वे छोकरी जैसी लगे और किसी की मैली नीयत का शिकार होने से बची रहे तुम्हारे माँ बाप ने अंधविश्वासों की बलि पर तुम्हें चढ़ाकर तुम्हें सांधवी बनाया तो तुम पर झूम के अति जवानी का दमन उन्होंने भी शायद इसी प्रकार किया कहो कि मैं गलत कह रहा हूँ उसने सुनील की बात का जवाब मुँह से नहीं दिया उसने अपने जोगे रंग के लबादे की गले के पास बंधी डोरी खींची और उसका गृहबान खोलकर उसे अपनी कमर से नीचे तक गिरा दिया सुनील ने देखा उसकी छाती पर उसी रंग की लगभग छह इंच चौड़ी मोटी रस्सी बंधी हुई थी जिसकी वजह से उसके स्तन दबकर उसकी पसलियों के पिंजर के साथ जा लगे थे उसने अपने पीछे हाथ ले जाकर वह पट्टी खोली तो बेहद सुडोल बेहद उन्नत बेहद कठोर उरोज गेंदों की तरह उछलकर सामने आ गए अच्छे हैं वह कुटिल स्वर में बोली बहुत अच्छे हैं सुनील बोला ऐसा प्राइज़ विनिंग पेपर मैंने कभी नहीं देखा आप कभी देखोगे भी नहीं वह अपने रिवाल्वर वाले हाथ को हल्का सा झटका देती हुई बोली इसलिए जी भर कर देख लो सिर्फ देखने से क्या हासिल होगा मुझे छूने का भी तो मौका दो मुझ पर शक की कोई और वजह उसकी बात की ओर ध्यान दिए बिना उसने पूछा एक बार तुम्हारे भवरूप की बात समझ में आने के बाद तो वजह ही वजह थी मसलन कोई एकाद वजह बताओ सुनो तुम जानती ही हो कि जयललिता एंगर नाम की एक बच्ची डकेती की छोटी से छोटी डिटेल की चश्मदीद गवाह थी उसने बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़े जोकर को नोट लौटाते देखा था लेकिन भीतर सोलह लाख रुपए के नोट वहां से ले जाते नहीं देखा था किसी ने भी इतनी बड़ी रकम वहाँ से ले जाई जाती नहीं देखी थी लेकिन फिर भी रकम वहाँ से गायब हुई थी ऐसा क्यों कर हुआ तुम बताओ ऐसा तुमने किया तुम्हारे सिवाय यह कर्तव्य कोई कर ही नहीं सकता था नोट गायब करने का साधन सिर्फ तुम्हारे पास था कृष्णा वह बख्तरबंद गाड़ी में रखवाई ही नहीं गई थी इसलिए उसे वहाँ से निकाला जाता किसी ने नहीं देखा था तुमने बख्तरबंद गाड़ी में केवल पचास हज़ार के वही नोट रखवाए थे जो कि पब्लिक में लुटाए गए थे बाकी के नोट तुमने पहले ही गायब कर दिए थे मैडम इस बात की वजह से मैं शुरू से ही तुम पर शक करता लेकिन मैं तुम्हारे सांधवी के लिबास से धोखा खा गया और तुम जानती ही हो कि ऐसा ही हुआ था आगे बढ़ो यानी कि मानती हो कहाँ ना आगे बढ़ो इसी तरह एंड ढकेती के समय मेरीगो राउंड के लकड़ी के घोड़े के पेट में लाख रुपए के नोट छुपाना मुमकिन नहीं था वह काम बिना किसी निगाह में आए न फेडरिको कर सकता था न कोई और लेकिन नोट घोड़े में से निकले थे हाँ यही बात वह साबित करती है कि वे ढकेती से पहले यानी कि शुक्रवार की, की रात को वहाँ छुपाए गए थे शनिवार दिन में पड़ी ढकेती के लुटे नोट शुक्रवार को अगर किसी के हाथ पड़ सकते थे तो वह तुम थी तरुण नागिया तुम्हारा सहयोगी था और कार्निवाल का कर्मचारी था वहाँ रात को भी उसकी मौजूदगी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था ने लाख रुपए के नोट घोड़े में छुपाने के लिए शुक्रवार को उसी को दे दिए थे ताकि फेडरिको का पुलंदा बनने का सामान हो सकता गुड बख्तरबंद गाड़ी के दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी टकेतों के पास उपलब्ध होना भी तुम्हारी ही करतूत की तरफ इशारा करता है तुमने खुद कहा था कि बख्तरबंद गाड़ी जब बैंक के हेड ऑफिस में आकर खड़ी हो जाती है तो उसकी चाबी तुम्हें सौंपी जाती थी उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाने की सुविधा और साधन भी तुम्हें ही उपलब्ध थे ऐसा दोनों गाड़ों में से कोई भी कर सकता था तब भी बात वही की वही रहती उमेश सक्सेना भी तो तुम्हारे हाथ की कटपुतली था चाबी की डुप्लीकेट उसी ने तैयार करवाई या तुमने बात एक ही थी समझदार आदमी हो वह प्रशंसात्मक स्वर में बोली शुक्रिया सुनील भी नकली अदब से सिर नवाकर बोला अब मैं ढकेती की उस घटना पर आता हूँ जो एक तरफ से सारे सिलसिले की रीढ़ की हड्डी थी कौन सी घटना उमेश को जहर दिए जाने की घटना उमेश के पेट में जहर पहुंचे बिना डकेती की योजना कामयाब नहीं हो सकती थी उमेश जहर की वजह से तड़पा इसी कारण उसका भाई रमेश जिसे कि गाड़ी के भीतर मौजूद रहना चाहिए था वहाँ से बाहर निकला और उमेश की ही खातिर पंप लेने के लिए गाड़ी का ड्राइवर मोहर सिंह घटनास्थल से चलता कर दिया गया डकैती की कामयाबी के लिए बख्तरबंद गाड़ी को लावारिस हो जाना जरूरी था और ऐसा होने के लिए उमेश के पेट में जहर पहुंचना जरूरी था अब हालात पुकार कर कह रहे हैं उमेश को जहर अगर कोई दे सकता था तो वह मारिया थी लेकिन मारिया ने उमेश को जहर नहीं दिया था क्या सबूत है इस बात के लिए अब किसी सबूत की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें हकीकत मालूम है लेकिन फिर भी मारिया ने ऐसा किया था यह इस बात से भी साबित होता है कि मारिया उमेश को जूस में जहर तो दे सकती थी लेकिन वह उसे जूस पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी अगर डकेती की योजना फेड्रिको की होती तो वह तो तभी धराशायी हो जाती अगर उमेश जूस पीने मारिया के स्टॉल पर ना आता हम्म, मारिया ने उमेश को जहर नहीं दिया था लेकिन मारिया के अलावा कोई और उमेश को जहर देने की स्थिति में नहीं था लेकिन फिर भी उमेश के पेट में जहर पहुंचा कैसे तुम बताओ ऐसा एक ही तरीके से हो सकता था और वह तरीका यह था कि उमेश ने जहर खुद खाया था क्यों क्योंकि तुम्हारी ढकेती की योजना में वह भी शामिल था उसके पेट में जहर पहुंचने का क्या रास था यह तुमने उसे अच्छी तरह समझा दिया हुआ था यह तुमने उसे अच्छी तरह समझा दिया था तुम यह कहना चाहते हो कि वह मेरे कहने पर जहर खाकर आत्महत्या करने को तैयार हो गया नहीं अगर उसे मालूम होता कि जहर खाकर वह मर जाएगा तो जहर वह हरगिज़ न खाता तुमने उसे यही कहा था कि उस जहर में केवल इतना होगा कि उसके पेट में भयंकर दर्द उठेगा और वह जरा सांस लेने में कठिनाई महसूस करेगा लेकिन वह तकलीफ लंबी न चले इसके लिए तुमने अपने दूसरे सहयोगी डॉक्टर आहूजा का इंतजाम किया हुआ था उसने घटना स्थल पर एक मुनासिब वक्त पर पहुंचकर जहां स्टोमेक पंप लाने के खातिर मोहर्षि को घटना स्थल से चलता कर देना था वहां उमेश को जहर की काट का इंजेक्शन भी देना था उसने ऐसा इंजेक्शन दिया भी लेकिन उमेश ठीक न हुआ इससे साफ जाहिर होता है कि उमेश डॉक्टर आहूजा की उम्मीद से ज़्यादा जहर खा गया था और इंजेक्शन दिए जाने से पहले ही उमेश की हालत काबू से बाहर हो चुकी थी ऐसा क्यों कर हुआ मैडम यह इत्तफाक था या तुमने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की थी कि उमेश ज़्यादा जहर खा जाए और जान से हाथ धो बैठे वह बड़े जहर से बुझे ढंग से हंसी यानी कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया था उसने उत्तर न दिया यह तो बता दो कि जहर खाया कैसे था उमेश ने एक कैप्सूल की सूरत में मैंने उसे एक कैप्सूल दिया था जो कि उसने अपने मुंह में रखना था और मारिया से हासिल हुए जूस के साथ उसे निकल जाना था इस संदर्भ में एक बड़ी मजेदार बात यह भी है कि यह बात भी मुझे ने सुनाई थी कि उमेश की जहर से केवल तबीयत खराब होनी ही उपेक्षित थी उसका मर जाना नहीं और यह कि डॉक्टर आहूजा ने उसे जो इंजेक्शन दिया था वह उस जहर का तोड़ था जो उमेश ने खाया था यह तो तुम्ही मुझे सुझाया था कि डकैती के साथ उमेश का संबंध होना जरूरी था क्योंकि इसके बिना उमेश को जूस पीने के लिए मारिया के स्टॉल पर जाने की गारंटी नहीं हो सकती थी और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उमेश अगर वहाँ न जाता तो डकेती की योजना की वहीं टांग टूट जाती वह चुप रही डकेती में जिस टंग से फैक्ट्री और मारिया को लपेटा गया है सुनील आगे बढ़ा उससे साफ जाहिर होता है कि डकैती की योजना खूब सोच समझ कर पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी फेडरिको का कार्निवाल जब लिंक रोड पर तुम्हारे बैंक के हेड ऑफिस की बगल में लगा हुआ था तब उमेश ने मारिया को छेड़ा था और उसके गाल पर चिकोटी काटी थी यह सब उसने तुम्हारी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जानबूझ किया था ताकि बाद में जब उसे जहर दिए जाने की घटना हो तो लोग सहज ही मान ले कि जहर मारिया ने दिया होगा इसी बात को बल देने के लिए शनिवार को भी उसने फेडरिको को जलील किया और उसे सुनाकर मारिया के बारे में बुरी बली बातें कही तरुण नाग्या को भी तुमने अपनी योजना के ही अंतर्गत फेड्रिको पर थोपा था शनिवार को जोकर की पोशाक पहनकर जोकर तरुण नाग्या ने बनना था लेकिन वो एन मौके पर गायब हो गया था इसलिए फेड्रिको को खुद जोकर बनना पड़ा फेड्रिको डकैती के समय अगर जोकर की पोशाक में न होता तो जोकरों द्वारा डाली गई डकेती का शक उस पर कैसे होता लेकिन अगर तरुण नाग्या की गैर मौजूदगी के बावजूद वह जोकर की पोशाक न पहनता तो हम उसका क्या कर लेते तुम्हारे पास उसका भी इंतजाम था तब शॉपिंग सेंटर का सिक्योरिटी ऑफिसर दिलीप दत्त फेड्रिको के पास पहुंचता और उसे कहता कि शॉपिंग सेंटर के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बच्चों के मनोरंजन के लिए वहाँ एक जोकर का होना जरूरी था तब वह फेडरिको को जोकर की पोशाक पहनने पर मजबूर कर देता आखिर था तो वह भी तुम्हारे आशिकों की ब्रिगेड का ही एक प्यादा इस केस के बारे में तुमने जयललिता एंगर नाम की बच्ची से बहुत कुछ जाना है और जयललिता के बारे में तुम्हें दिलीप दत्त ने बताया था अगर दिलीप दत्त मेरा प्यादा था तो उसने ऐसी बेवकूफी क्यों की वह कोई बेवकूफी नहीं थी वह जानता था कि उसकी अखबार में छपी तस्वीर दिखाकर पास पड़ोस से पूछताछ करने पर जयललिता के बारे में मुझे वैसे ही मालूम हो सकता था और फिर उसने यह सोचा होगा कि इतनी छोटी बच्ची मुझे क्या बता सकती थी बहुत समझदार आदमी हो तुम मैं तुम्हारी सूझबूझ और तर्क शक्ति की पहले ही तारीफ कर चुकी हूँ तुमने जेरी के कॉटेज को आग क्यों लगाई थी दरअसल वहाँ आग लगाने का इंतजाम तो मैंने इसलिए किया था कि तरुण नाग्या के कत्ल के बाद उसकी लाश वहीं जलखप जाती पुलिस को तरुण नाग्या की तलाश थी इसीलिए अच्छा था कि इस प्रकार उसकी तलाश का कोई नतीजा निकाल पाना असंभव हो जाता तुमने एकाएक वहाँ पहुँच तरुण नागिया के कत्ल की मेरी मूल योजना में योगदान डाल दिया तरुण नाग्या का कत्ल तो मैंने फिर भी किया लेकिन उसकी लाश चलाकर उसकी हकीकत छुपाने का इंतजाम में न कर पाई मुझे कोटेज से एकाएक भागना पड़ा था इसलिए हो सकता था कि पीछे ऐसा कुछ रह गया होता जो मेरी पोल खोल देता अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखने के लिए मैंने कॉटेज को आग लगा देना ही मुनासिब समझा था भीतर तुम भी जल मरते तो एक पंथ दो काज वाली बात हो जाती और फिर यह नौबत ना आती जो इस वक्त आई हुई है तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैं जिंदा बच गया बहुत ज़्यादा लेकिन कोई बात नहीं वह गलती में अब सुधार लूंगी वह जलपरी नामक याट किसका था डॉक्टर आहूजा का नहीं था याद किराए का था और उसका बहुत तगड़ा किराया भी देवबाला भरती थी दोनों कारें फ देव बाला की है और एम्बेसटर मिसेज एम के भटनागर की है उन्हें तुम खड़ी कहाँ करती थी नीचे हनबी रोड पर अपनी इमारत के सामने नहीं शंकर रोड पर मैंने एक गैरेज किराए पर लिया हुआ है वहाँ इस वक्त वे दोनों कारें वहीं हैं हाँ तुमने अपने पुरुष मित्रों से कभी कोई पैसा हासिल नहीं किया क्यों करती मैं क्या कोई वेश्या हूँ जो अपने जिस्म की कीमत वसूल करती कोई कोलगल हूँ जो अपनी सेवाओं की उजरत मांगती तुम्हारी योजना की एक बहुत कमजोर कड़ी यह भी रही कि तुमने फेडरिको के जोकर के मेकअप की वह विशिष्टता विशिष्टता विशिष्ट नोट नहीं की कि वह रोता हुआ जोकर बनता था तुम्हारे साथियों ने भी अपने चेहरे रोते हुए जोकर जैसे बनाए होते तो जयललिता अपने आंसू वाले जोकर अंकल में और खराब जोकरों में फर्क महसूस न कर पाती हाँ उसने स्वीकार किया यहाँ हम जरूर चूक गए सुनील एक क्षण विचारपूर्ण मृदा बनाए खामोश बैठा रहा और फिर बोला शुक्रवार को मैं फेडरिको का इंटरव्यू लेने जाने वाला था इस बात की खबर जरूर तुम्हें तरुण नाग्ञा से ही लगी होगी तभी तुमने अपने दो चमचे मुझ पर हाथ डालने के लिए बेच दिए उन्होंने मुझे जोरों के लिए एक बेमानी संदेश दिया और भाग गए ऐसा तुमने जाहिर है कि केस को उलझाने के लिए और इस बात को बल देने के लिए कराया था कि फेडरिको बख्तरबंद गाड़ी लूटने की फिराक में था और कोई और पार्टी उसे ऐसा न करने की चेतावनी दे रही थी इस प्रकार डकेती को पुलिस या तो फेडरिको का काम समझती जैसा कि उसने समझा और यहाँ वह उसे फैट्रिको को मेरे माध्यम से धमकाने की कोशिश करने वाली उस पार्टी का काम समझती जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था करेक्ट वैसे जिन साहिबान ने मुझ पर आक्रमण किया था वे थे कौन दिलीप दत्त और तरुण नागिया। दिलीप दत्त तुम्हारे चक्कर में कैसे पड़ गया जैसे बाकी दुनिया पड़ गई वह बड़े कुत्सित भाव से हंसी उमेश को तो तुमने एक तरह से अपनी डकैती की योजना पर बलि चढ़ाया था फिर भी शनिवार को पुलिस हेडक्वाटर में उसकी मौत का जिक्र आने पर तुम जार जार रोई थी क्या वह सिर्फ ड्रामा था या उस रोने की कोई और वजह थी ड्रामा भी था और वजह भी थी आखिर उमेश मेरा पहला प्यार था औरत अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूलती उमेश वो पहला शख्स था जिससे मैंने ज़िंदगी में पहली बार रति सुख प्राप्त किया था जिसने विषय वासना की दुनिया के वो दरवाजे खोले थे जो मेरे खानदान की एक बेहूदी प्रथा की वजह से मेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे उमेश वो शख्स था जिसने कृष्णा को देवभाला बनाया था एक देवदासी को कन्या बनाया था मुझे उसकी मौत का दिली अफसोस हुआ था लेकिन मेरी ज़िंदगी के लिए उसकी मौत जरूरी थी यह चश्मा सुनील ने उसकी नाक की फुंगी पर तार के प्रेम वाले चश्मे की ओर इशारा किया जो तुम लगाती हो वह प्लेन शीशों का है उसने नाक से चश्मा उतारकर तख्तपोश तख्तपोष पर एक और फेंक दिया जो कृष्णा के डीले डाले सेक्सलेस बहुरूप को और भी अच्छी तरह से उजागर करता है तुम कृष्णा से देवबाला कैसे बन गई अभी बताती हूँ अभी बताती हूँ वह तख्तपोत से उठ खड़ी हुई उसके उठने से उसकी कमर तक आया लबादा उसके कूलों से भी नीचे सरक गया और उसकी टांगों पर से होता हुआ उसके टखनों के गिरद जा गिरा वह उसमें से अलग हट गई उसने अपने बालों से बंधा कपड़ा भी निकाल फेंका अब वह एकदम नंगी सुनील के सामने खड़ी थी लेकिन रिवाल्वर अभी भी उसके हाथ में थी यूं ही बैठे रहना वह चेतावनी भरे स्वर में बोली हिले तो गोली मार दूंगी सुनील खामोश रहा वह बगल के कमरे में चली गई उसने दोनों कमरों के बीच का दरवाजा बंद किया ताकि कुर्सी पर बैठा सुनील उसे दिखाई देता रहे उस कमरे में जाकर उसने लंबे बुरे चमकदार बालों का एक विघ निकाला और उसे अपने सिर पर पहन लिया तुरंत उसके काले रूखे बाल छिप गए और उसके स्थान पर सावन बादों की घटाएं जैसे लहराते बल खाते बाल उसकी नंगी छातियों और कंधों पर छितरा गए फिर उसने बड़े सलीके से अपने गालों पर पाउडर की हल्की सी परत चढ़ाई हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई आईब्रो पेंसिल से आंखों की नोक पलक सुधारी बोवों को व्यवस्थित किया और फिर आंखों पर लंबी लंबी नकली पलकें लगा ली फिर उसने उरोजों को एक बड़े कपो वाली अंग्या में बांधा ऊपर से बर का ब्लाउज पहना जिसमें से उसकी आधे से ज्यादा छातियां बाहर झलक रही थी फिर उसने नाभि से बहुत नीचे करके पेटीकोट बांधा और एक सिल्क की निहायत खूबसूरत साड़ी पहनी अंत में उसने पैरों में ऊंची एड़ी की सैंडल पहन ली उस सारे सिलसिले के दौरान एक क्षण के लिए भी उसका ध्यान सुनील की तरफ से या हर क्षण अपनी पहुँच में मौजूद रिवॉल्वर की तरफ से नहीं हटा था फिर रिवाल्र उसने फिर उठाकर हाथ में ले ली और एक बड़ी मदमाती चाल चलती हुई वह बाहर के कमरे में आकर सुनील के सामने आ खड़ी हुई वह बड़े चित्ता आकर्षक ढंग से मुस्कुराई उसने एक फैशन मॉडल की तरह अपने जिसमें कई जगह खम पैदा करके एक दिलकश पोज बनाया और धीरे से बोली कैसी लग रही हूं बहुत खूबसूरत सुनील के मुंह से निकला बहुत दिलकश तोबा शिकन देवताओं के ईमान खराब कर देने वाली अप्सरा किसी की तपस्या का फल किसी की मन्नतों का नतीजा हाँ वह फिर उसके सामने बैठ गई और उदास स्वर में बोली लेकिन अभिशप्त, बेहूदा रस्मों रिवाज की बेड़ियों से जकड़ी हुई स्त्री होते हुए भी स्त्री के अधिकारों से ठुकराई हुई अपने भीतर धदकते ज्वालामुखी को छुपाए रखने के लिए मजबूर विश्वकन्या वर्जित फल सुनील खामोश रहा मैं कृष्णा नाम की एक बंदगी की एक चलती फिरती लाश की काउंटरिगू हूँ मैं डॉक्टर जेंकिल का मिस्टर हाइंड हूँ मैं वो हूँ जो होने को कृष्णा को अधिकार नहीं मेरे बुज़ुर्गों ने मेरी छातियों को कपड़े में बीच कर समझ लिया था कि मुझ पर जूम के आती जवानी को उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया था मुझे बालों को खींच पीछे बांधना सिखा उन्होंने मान लिया था कि मेरी खूबसूरती पर अंकुश लग गया है मुझे साधियों जैसे वस्त्र पहनाकर उन्होंने तसल्ली कर ली थी कि मैं सांधवी हो गई मुझे श्रृंगार की वस्तुओं को मिथ्या और सांसारिक बताकर उन्होंने सोच लिया था कि, कि मुझे उनकी बातों पर विश्वास हो गया है लेकिन क्या मैं वैसी बन गई जैसी बनी वे मुझे देखना चाहते थे मैं न बन सकी 25 साल तक मेरे भीतर स्त्री सुलभ महत्वाकांक्षा का ज्वालामुखी धधकता रहा जो जब एकाएक फटा तो उसका अलावा मुझ पर जबरन थोपी गई तमाम मान्यताओं को तमाम पाबंदियों का जिगर काट गया देव बाला देव दासी न रह सकी वह विश कन्या बन गई वह एक क्षण ठिटकी और फिर बोली मिस्टर सुनील मेरे नौ भाई बहन थे मैं अपनी माँ की पाँचवीं औलाद थी जो उस नामुराद महारत में पैदा हुई थी जिसमें पैदा हुई औलाद को हमारे यहाँ साधवी बनाया जाता है मेरी माँ ने मुझे तो पैदा होते ही सांसारिक सुखों से विमुख हो जाने का फतवा सुना दिया लेकिन खुद मेरे बाद भी उसने चार बच्चे और पैदा किए और शायद अभी और पैदा करती नौवीं औलाद पैदा हो जाने के बाद अगर उसकी कोख में कोई विकार पैदा न हो गया होता मेरी माँ वासना की ऐसी दीवानी औरत थी कि रति सुख से उसका मन नहीं भरता था मैं जो सन्यासिनी बनाई जा रही थी बचपन में अपनी माँ के बगल के कमरे में लेटी सारी सारी रात अपने बाप के पलंग पर मौजूद अपनी माँ की रतिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाली आहें कराएँ और हाय हाय सुना करती थी आज की कहानी बस यहीं तक कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ अगर आपको यह नावल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल